पंजाब में किसान संगठन पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं कि 20 फरवरी के बाद वो यूपी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ प्रचार तेज करेंगे, लेकिन पंजाब में बीजेपी का विरोध चलता रहेगा। 5 जनवरी को किसानों के विरोध के चलते पीएम मोदी को बिना रैली किए वापस लौटना पड़ा था, तो आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का सामना पंजाब में नाराज किसानों से हो गया। तो नड्डा के सामने जब आए किसान तो क्या हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब में वोटिंग का समय करीब आता जा रहा है। 20 फरवरी को राज्य की सभी सीटों पर वोटिंग होनी है और इसके लिए चुनाव प्रचार 18 फरवरी को शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगा। चुनाव प्रचार समाप्त होने में अब 72 घंटे से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। बीते दिनों पीएम मोदी एनडीए उम्मीदवार का प्रचार करने के लिए पंजाब पहुंचे थे, तो आज बीजेपी और उसके सहयोगियों के प्रचार की कमान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संभाल ली थी, लेकिन पंजाब पहुंचते ही नड्डा मुश्किल में फंस गए। दरअसल पंजाब में किसान आंदोलन विधानसभा चुनावों में बड़ा मुद्दा बना हुआ है और किसानों के गुस्से ने बीजेपी नेताओं की चिंता और भी बढ़ा रखी है। भले ही मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिया हो और किसानों की कई मांग मान ली हो, लेकिन किसानों की मांग पर अभी तक कोई कार्यवाही शुरू नहीं हो पाई है, जिसके बाद से ही किसानों ने एक बार फिर से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज पंजाब की मंडी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली थी, लेकिन नड्डा का रास्ता किसानों ने रोक लिया। किसानों ने भटिंडा के मोड़ मंडी में हंगामा कर दिया। नड्डा को भटिंडा मोड़ रोड पर संत फतेह सिंह कॉन्वेंट स्कूल में बनाए गए हेलीपैड पर उतरना था, जिसके बाद सड़क के रास्ते रैली स्थल पर जाना था, लेकिन किसानों ने रैली स्थल को जाने वाले रास्ते पर ही धरना देना शुरू कर दिया। किसानों ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी शुरू कर दी। किसानों के कड़े विरोध के चलते जेपी नड्डा को अपना रास्ता बदलना पड़ा। अनन-फनन में नड्डा को दूसरे रास्ते से ले जाया गया। किसानों ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी की रैली को तो नहीं रोकेंगे, लेकिन उनके रास्ते में रुकावट जरूर खड़ी करेंगे। किसानों के तेवरों को देखते हुए ये साफ है कि बीजेपी के लिए पंजाब की राह बेहद मुश्किल हो गई है और इसका असर यूपी में भी दिखाई दे सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।